अदिति के सामने विवियन ने एक्सपोज किया रजत और करणवीर के ग्रुप को। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस के लाइव फीड में सुबह सुबह यहाँ पर अदिति जो है वो बैठी हुई होती है और वहाँ पर होती है ईसा एलिस और विवियन डिसेना, जहाँ पर विवियन डिसेना सामने वाले ग्रुप की बेइज्जती करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर उनका कहना है इनका कोई ग्रुप है, इन्हें तो खुद भी नहीं पता है कि वो कौन से ग्रुप के पार्ट हैं, वो बस हमें टारगेट करने के लिए अपना ग्रुपिज्म करते रहते हैं। पर जब उन्हें उनमें से किसी एक से पूछा जाए आप कौन से ग्रुप में हो, तो उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि वो कौन से ग्रुप में है। कभी इसके साथ बैठते, कभी उसके साथ बैठते, कभी हमारी तरफ आ जाते हैं। इन्हें तो खुद अपने ग्रुप की क्लियरिटी नहीं है। जैसे श्रुतिका का एग्जांपल ले लो, वो कभी हमारे साथ बैठती है, कभी रजत के पास चली जाएगी, कभी करणवीर के पास चली जाएगी। इनका बस एक ही मकसद है कि हम चारों को टारगेट करना। पिछले 5 हफ्तों से ये बस हमें नॉमिनेट करने के लिए, हमें टारगेट करने के लिए इधर से उधर होते रहते हैं, पर ये अब तक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ये कहना है विवियन डिसेना का अदिति मिस्ट्री को। वहीं ईसा बताती है कि रजत मेरे पास आया था और बोल रहा था कि इस बार फिर से जब टाइम गॉड वाला टास्क आएगा तो ईसा मेरे पर भी ध्यान देना। और ईसा यहाँ बताती है कि मैंने तो रजत को साफ बोल दिया, अरे बहुत हुआ, आप थोड़ा बैक सीट लो, यानी कि बहुत टाइम गॉड बन लिए आप, अब थोड़ा पीछे हो जाओ, किसी और को बनने दो। जी दोस्तों, कुछ ये बोलती नजर आई है यहाँ पर ईसा लाइव फीड में। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे पूरी अपडेट पर कमेंट करके जरूर बताइएगा।